दोस्तों आपका भी अगर एक साइड का ईयरफोन नहीं चल रहा और आप ये जानना चाहते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करना है और ये प्रॉब्लम क्यों होती है, तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं हूं दर्शक, आप देख रहे हमारे चैनल एक्सप्लेनिंग बंदा। देखिए दोस्तों, आपका ईयरफोन 30 वाला या फिर 300 वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपके ईयरफोन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन दोस्तों आप ये कमेंट करके बताएं कि क्या आप ये वीडियो एक वाले ईयरफोन से ही देख रहे हैं, तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम होती क्यों है। दोस्तों जो भी ईयरफोन होता है उसके अंदर काफी पतले वायर होते हैं और कॉपर के वायर होते हैं, तो उसके अंदर जितना ज्यादा वो बैंड होता है उतना ज्यादा उसके अंदर ब्रेक लगने लगते हैं, मतलब के कट लगता है। तो दोस्तों अगर दोनों वायर के बीच में कनेक्शन ही रहेगा तो आपको सीधी से बात है आवाज नहीं आने वाली। दूसरी बात दोस्तों, क्या करते हैं लोग जब भी ईयर में अपना ईयरफोन लगाते हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से खींचने की बजाय वो यहाँ से निकालते हैं, तो मतलब दोस्तों जो ईयरफोन के काफी पतले वायर होते हैं उसके अंदर नुकसान होता है और आपका ईयरफोन जो है एक साइड से या दोनों साइड से चलना बंद हो जाता है। तीसरी बात दोस्तों, ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि जो भी लोग होते हैं वो जो जैक होता है वहां से यहाँ से पकड़ के निकालना होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि ये जो वायर होता है वहां से उसको इतनी जोर से खींचते हैं और फिर निकालते हैं, तो उसके अंदर पतले वायर होने की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा खींचाव होता है और दोस्तों ये प्रॉब्लम होने लगती है। खैर दोस्तों प्रॉब्लम तो हो ही चुके हैं, लेकिन अब इसकी जो सॉल्यूशन उसकी बात करते हैं, आप रिपेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। बेसिक में दोस्तों ये आता है कि पहले तो आपको क्या करना, अगर आपके पास दूसरा ईयरफोन है तो वो उसको आप लगा के ट्राई कीजिए, क्या उसके अंदर भी एक ही ईयरफोन से आवाज आ रही है। और दोस्तों अगर दोनों ईयरफोन से आवाज आ रही है, मतलब दोनों ईयर के अंदर आवाज आ रही है, तो आपका जो भी ईयरफोन है उसके अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों अगर आप दूसरा ईयरफोन भी लगाते हैं फिर भी दोस्तों अगर आपके एक ही ईयर में आवाज आती है, तो आपके जो भी फोन के अंदर एक्सेसिबिलिटी होता है उसके अंदर जो ऑडियो सेटिंग होता है स्क्रीन पे देख सकते हो, उसके अंदर अगर मोनो ऑडियो है वो ऑन है तो उसको उसको ऑफ कर दीजिए। और दोस्तों फिर सुनने की कोशिश करिए कि क्या आपके दोनों जो भी ईयर है उसके अंदर आवाज आ रहे है, तो दोस्तों आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है। तीसरी बात दोस्तों कि आपका जो भी ईयरफोन जो भी फोन होता है उसको रिस्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कुछ बार ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो उसके अंदर ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो फिर भी आप वो मोनो वाला फिर से चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर कुछ कोई ऐसे अपडेट आती है तो आपके फोन के अंदर आईफोन ये भी जो भी जैक होता है 3.5 mm जैक उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आप एक बार रिस्टार्ट करते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। चौथी बात दोस्तों कि आपका जो भी जैक होता है, मतलब जो भी वो हॉल होता है उसको आप कहीं भी हम रखते हैं, हमारा फोन काफी जगह हम लेके जाते हैं उसके अंदर डस्ट हो जाते हैं, आप उसको अच्छी तरह से साफ कीजिए, जरा अंदर फूक मारिए और दोस्तों आपके जैक को साफ करने की कोशिश कीजिए, फिर अपना जो भी ईयरफोन का जैक उसके अंदर डाले तो हो सकता है आपका जो भी ईयरफोन है वो चलने लग जाए। तीसरी बात दोस्तों कि जो भी आपका अगर ईयरफोन है तो उसका अगर ये जो जैक होता है उसके पास अगर आपका यूं बैंड करके अगर चलने लगता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक रबड़ मार दीजिए या फिर टेप मार दीजिए, उसको ऐसे एंगल में ही रखे जहां पर वो एकदम अच्छे से आवाज आ रही, तो दोस्तों आप टेम्पररी इसका यूज कर सकते हैं अपने ईयरफोन का। लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छे से वॉइस चाहिए जो पहला आता था, तो वो अब हम एडवांस जो भी रिपेयरिंग वाली बात है वो अब करने वाले है। दोस्तों पहला आपको अपना जो भी प्रॉब्लम है वो ढूंढना होगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो जैक के अंदर है या फिर अपने स्पीकर के अंदर, वो आपको ढूंढना होगा। आप कैसे ढूंढेंगे कि आपको क्या करना है, अपने फोन के अंदर इसको इंसर्ट करना और फिर देखना है कि क्या आप यहाँ है उसको मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या आपको आवाज आ रही है। अगर दोस्तों आपको जोरी सी भी आवाज आती है तो उसका मतलब यह है कि आपके जो आईफोन जैक है, मतलब माफ कीजिएगा 3.5 mm जैक है, उसके पास आपकी प्रॉब्लम है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है कि आप मूवमेंट देते हैं तो दोस्तों फिर आपके स्पीकर के अंदर आवाज आ रही है, तो मतलब कि इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो अब दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि पहली बात अगर आपका जैक के अंदर प्रॉब्लम है तो आप जैक को चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने एडवांस वाली बात की थी तो आपको थोड़ा उसके अंदर सोल्डरिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो भी जैक होता है उसको कट करके जो भी 10-20 वाला नया जैक मिलता है उसको लगा सकते हैं, या फिर आपका पुराने ईयरफोन हो उसका आप भी जैक कट करके लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों आप जो भी कर अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा। तीसरी बात दोस्तों कि आप जो भी अपना ये अगर स्पीकर है, मतलब ये जो ईयरबड्स होते हैं वो अगर अच्छे है, हमें देखिए हम ईयरफोन इसीलिए लेते हैं कि हमारा जो भी म्यूजिक है बेस है वो काफी अच्छी तरह से हो, तो दोस्तों वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। अगर आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो भी एक पुराना या फिर एक नया सस्ते वाला ईयरफोन लेके अपने जो भी ये होते हैं वो ईयरबड्स को इस तरह से काट के दोस्तों आप अपने जो पुराने ईयरफोन है या फिर आपने जो नया सस्ते में लिया है उसके साथ अगर आप उसको लगा देते हैं तो आपका जो भी ऑडियो था वो पहले जैसे आने लगेगा। तो दोस्तों आपको अगर एडवांस लेवल जो हमने बताया अगर वो करना है तो आपको सोल्जरिंग कटिंग करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपके वायर के अंदर प्रॉब्लम है, आप अगर वायर को बैंड करते हो, अगर आपको आवाज आता है तो वहां से आप कट लगाकर दोस्तों वो दोनों वायर को ज्वाइंट करके भी आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिये दोस्तों ये थोड़ी ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे लिए, लेकिन दोस्तों अगर आपके
नजदीक में कोई टीवी रिपेयर करने वाला हो या फिर रेडियो रेडियो या स्पीकर वाला हो तो आप उसके पास जा सकते हो दोस्तों। वहां पर थोड़ा सा सोल्डरिंग करने का कह देंगे, क्योंकि दोस्तों इतने पतले वायर होते हैं और हमारे लिए दोस्तों काफी मुश्किल हो जाता है उनको ज्वाइन करना। और दोस्तों ये काम सिर्फ वो जो मशीन होता है सोल्डरिंग मशीन उससे ही होता है। तो ये काफी ज्यादा ऐसे एडवांस से हमने बेसिक से बात की थी, बेसिक से एडवांस रिपेयरिंग की। तो हो सकता है आपका जो भी ईयरफोन है वो चलने लगे। और दोस्तों अगर आप सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर आपके साथ ईयरफोन के साथ कुछ भी उल्टा सुलटा होता है आप जिम्मेदार है। उम्मीद करता है आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने ईयरफोन में क्यों ऐसे खराबी आती है और आप उनको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।